अविनाश सर, पतंजलि फूड्स पे अब क्या राय बनती है? देखिए पतंजलि फूड जो पहले रुचि सोया जाना जाता था, देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि हाल ही में अबाउट 3-4 महीने पहले पतंजलि का जो बिस्किट कारोबार था और जो एफएमसीजी का बिजनेस था वो अभी इस कंपनी में मर्ज होने वाला है, तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली कंपनी पे प्ले आउट होगा। रही बात एडेबल ऑयल के धंधे में, तो नियर टर्म में तो थोड़ा प्रेशर रहेगा क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी पाम ऑयल के प्राइसेस कम हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने भी एडेबल ऑयल की कंपनीज को कहा है कि उनकी प्राइसेस वो कम कर दे, और यहाँ पे हमने ये भी सुना है कि पतंजलि जो फूड्स है इसमें इन्होंने अपने एडेबल ऑयल की कीमतें करीबन 25-30-50 रुपए पर लीटर कम कर दी है, तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर जरूर रहेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे लग रहा है कि देखिए अभी भी करीबन 80% मार्केट का जो फ्लोटिंग स्टॉक है वो मैनेजमेंट के पास है, शेयर में ऐसा कोई नेगेटिव सरप्राइज आने वाला नहीं है जिसकी और कोई बड़ी कमजोरी आ जाए। इनको अगर लंबी अवधि के लिए ये शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो डेफिनेटली ये होल्ड करे, थोड़ा सा एक या 3 महीने के लिए थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस जरूर हो सकता है, बट होपफुली एफएमसीजी और जो बिस्किट कारोबार पतंजलि की पेरेंट कंपनी से इनको मिला है तो फायदा डेफिनेटली कंपनी को मिलेगा, तो लंबी अवधि के लिए अभी भी प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं, पर हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा स्टॉक वोलेटाइल हो। जी, ये राय पतंजलि पे, पतंजलि फूड्स पे अविनाश सर की।